वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए ये है मेरे अब्बा, देख लीजिए। ज़्यादा वो कैमरे के सामने आते नहीं हैं, आज मौका मिला है तो मैंने सोचा दिखा दूँ एक झलक अब्बा की। हम लोग शादी में आए हैं, अब्बा के दोस्त की बेटी की शादी में। अम्मी जीनी नूर भी है, वो बाद में आए हैं। अब्बा सबसे पहले आए थे क्योंकि उनके दोस्त, ये जो टोपी वाले ना दिलदार चाचा, ये उनकी बेटी की शादी है और ये अब्बा के बचपन के दोस्त है, तो हम लोग के मतलब बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ है, तो हम लोग आए हैं। ये वो लड़की की शादी नहीं है जिसकी आप लोग 2 दिन से हल्दी मेहंदी देख रहे हैं, वो दूसरी सिमरन है, वो बाजू में रहती है। और ये मेरे चाचा की बेटी हसीना है। तो देखिए यहाँ पे उसका सामान है जो रिलेटिव्स ने उसको दिया है, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से। तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी अभी। यहाँ पे सब लोग शरबत पी रहे हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को उसका सामान दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सामान है और लड़की भी बहुत प्यारी है, लेकिन ये हसीना है, ये वो लड़की नहीं है जिसका मैंने 2 दिन से हल्दी मेहंदी शेयर किया आप लोगों के साथ। वो लड़की का नाम सिमरन है, उसकी शादी कल है 26 को। ये हसीना है मेरे चाचा, दिलदार चाचा की बेटी। मुझे इसकी हल्दी मेहंदी अटेंड करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि आप सब जानते हो 2-3 दिन से मैं बिज़ी हूँ। 2-3 दिन से क्या, मैं तो 2 महीने से बिज़ी हूँ, लेकिन 2-3 दिन से वही सेम टाइम पे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं इसकी हल्दी मेहंदी अटेंड नहीं कर पाई। तो खैर चलिए सामान देखते हैं। रियाज अपने बाल बना रहे हैं बाजू में खड़े रह के, और मैंने अचानक से उसको कैमरे में ले लिया। मिलिए दुल्हन से। दूल्हे वाले अभी आए नहीं है तो यहाँ पे फोटो सेशन चालू है। क्यूट है बहुत माशाल्लाह। अभी दूल्हे वाले आए नहीं है तो फोटो हो रहा। पीछे कर
एकदम सरस। किसने लगाया मेहंदी? मैंने लगाई। चल झूठ बोल रही है। अब मैं बोल कहाँ तक लगाई है? पूरे हाथ तक का लगा। वाह वाह, लेकिन क्यों नहीं बोल? आना ही था बहन। नानी बोलेंगे कि क्या ये फोन लेके चालू ये। दुल्हन है दुल्हन। उसमें उसमें इधर आओ, उधर नहीं जाते। तो सुने आप लोगों ने, दुल्हन ने अपने हाथ से अपने हाथ में मेहंदी लगाई है, क्योंकि मेहंदी लगाने वाली जो आई थी पैर में मेहंदी अच्छी नहीं लगाई तो उसको अपना हाथ ख़राब नहीं करवाना था, तो उसने अपने हाथ से ही मेहंदी लगा ली अपने हाथ में। दूल्हा आ गया है, निकाह होने वाला है अभी। ये थोड़ी सिंपल शादी करते हैं, मौलाना टाइप फैमिली है। ये दुल्हन की माँ मतलब मेरी चाची, और आगे बैठे हैं नूर और जीनत। चलिए अब उन लोगों के साथ बैठते हैं थोड़ा वक्त। नूर साड़ी पहनी है उसने आज। मैं उसको बोल भी रही थी थोड़ा बात करना नूर, लेकिन फिर वो नहीं ना पा। यहाँ पे उज़्मा स्टेज पे घूम रही है, इधर से उधर, उधर से इधर से उधर भागी रही है, किसी के हाथ ही नहीं आ रही है। और जीनत को तो बैठने का टाइम ही नहीं मिल रहा है क्योंकि वो उसके साथ खेल रही है। और उज़्मा को मैं नहीं चाहिए, सिर्फ उसकी खाला चाहिए। और ये वो मंडप है जहाँ नूर और सरफराज की शादी हुई थी। अच्छी दिख रही है, अच्छा लग रहा है। अभी फिर से खींच के आऊँ क्या मैं? इसमें ब्राइटनेस बढ़ा सकते ना तुम? ये नूर का फ़ोन है, इससे कितना अच्छा दिख रहा है सब कुछ, यहाँ तक कि मेरा फेस भी। इसलिए मैं उसका फ़ोन लेके आई हूँ कि मैं वापस लूँगी, तो मैं वापस कैप्चर कर रही हूँ। इसलिए नहीं कि मैं ये सब दिखाऊँ, इसलिए कि मैं खुद अच्छी दिख रही थी ये फ़ोन में। यहाँ पे निकाह हो रहा है, अभी दुल्हन नीचे बैठी है, दूल्हे का ऊपर निकाह हो रहा है, फिर बाद में दुल्हन से पूछा जाएगा। और वहाँ देखो सामने ना उज़्मा भाग रही है, फिर उसके अबाउट के अभी उसको उठाने गए। वो नीचे बैठी थी और स्टेज पे दूल्हा। कुछ शादी इस तरह से होती है और कुछ शादी ऐसी होती है कि निकाह दोपहर में हो जाता है और शाम के वक्त रिसेप्शन में दोनों दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे होते हैं, लेकिन इनका निकाह यहीं हुआ है तो निकाह से पहले दूल्हा दुल्हन को साथ में नहीं बिठाया जाता है, इसलिए दुल्हन नीचे बैठी थी। अब निकाह हो गया है इसलिए वो स्टेज पर गई है, तो अभी फ़ोटो सेशन हो रहा है और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ पे जीनत है ना, बच्ची को छुहारे खिला रही है, वो नहीं कि जो निकाह के बाद उड़ते, उसको जीनत को बोला जाता है, जीनत शादी कर ले अभी तेरी उम्र हो गई है, तो क्या बोलती पता है, हाँ करूँगी ना, पहले उज़्मा की हो जाए फिर ज़रूर करूँगी। उसको अभी से उज़्मा की शादी की फिक्र है, वो अभी भी खुद नहीं खा रही है, उसको खिला रही है। ऐसा माना जाता है कि शादी में निकाह के बाद उड़ने वाले छुहारे अगर कुंवारी लड़की खाए तो उसकी शादी भी जल्दी हो जाती है, ऐसा मानते बड़े बुज़ुर्ग।
हाँ अम्मी क्या हुआ? हाय बोलो, नाटक मत करो रे, हाय बोलो, हाय बोलो ना। चेंज कर ली मैं घर पे आके, अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, ये सब निकालती हूँ और रखती हूँ। बताओ हाँ आप लोग मुझे, मैं कैसी लग रही थी ये गोल्ड नेकलेस में? अरे मैंने देखो ये ड्रेस पे ना मतलब ऐसा वाइट काम है, वाइट, और इसके ऊपर है ना वाइट कलर का इयर रिंग चाहिए था मुझे, लेकिन मेरे पास था, लेकिन चूड़िया भी खरीदी मैंने, देखी नहीं ना कभी मुझे चूड़ी में, देखो चूड़ी वाइट वाइट है ना, सिल्वर सिल्वर काम था ये ड्रेस पे, तो मुझे सिल्वर कान का पहनने का था, लेकिन मेरा जो सिल्वर वाला कान का है ना वो बहुत वजन वजन लग रहा था मुझे, हैवी हैवी लग रहा था, और हल्के में जो भी है सब गोल्ड, सब गोल्ड गोल्ड मतलब आर्टिफिशियली गोल्ड, तो मुझे वो नहीं पहनना था क्योंकि वो एकदम ही गंदा लगता था इसके ऊपर। एक बार ये रियल गोल्ड ठीक लगेगा, लेकिन आर्टिफिशियल गोल्ड ये ड्रेस पे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने रियल गोल्ड डाल दिया। हाँ मानती हूँ मैं इसका भी गेटअप कुछ इतना खास नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, अर्जेंट वाली शादी थी आज, अर्जेंट वाली शादी मतलब मैं दो दिन से वो क्या नाम है सिम्मो की हल्दी मेहंदी अटेंड कर रही हूँ, बाजू वाली की, और ये हसीना जिसकी शादी में मैं अभी गई थी, ये हसीना है मेरे अब्बा के दोस्त की बेटी है, जिसको अब्बा बचपन से बहुत लाड़ करते, तो अब्बा ने मुझे अचानक से मुझे बोले आज हसीना की शादी है तुझे चलना है, मैं बोली हैं, तो बोले हाँ चलना है, वो बोल रही थी आपा को लेके आना, आपा को लेके आना, तो मैं फिर क्या कर रही है, लेटी है सॉरी, तो फिर मैं तैयार हो गई, बोली ठीक है चलो, और मैं जाके आ गई। देखे ना आप लोग, जैसे कि मतलब इतना कुछ ज़्यादा तैयार भी नहीं हुई मैं खास, सिर्फ दो शेड मैंने आई शेडो लगाया, मुझे जितना आता था मैंने उतना किया, और घाई घाई का काम है, जितना हुआ अच्छा ही लग रहा है मुझे, इतना कोई बुरा नहीं लग रहा है। ठीक है तो आज का ब्लॉग इतना ही, और वो जो सिमो की है ना, सिमो की तो शादी कल है, 26 है ना, कल 26 अप्रैल, हाँ कल है सिमो की शादी, जिसकी हल्दी मेहंदी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। ये तो हसीना थी, ये लगते जिगर है अब्बा की, बहुत मेहनती छोकरी है ये, बहुत बचपन से मेरे ऐसा घर संभाली उसने, तो अब्बा को उसमें मैं दिखती हूँ, और आज के व्लॉग में तो अब्बा को भी आप लोगों ने देख ली है ना। हाँ अब्बा फ्रेंडली नहीं है, कैमरा फ्रेंडली नहीं है, बहुत ज़्यादा ही रेयर कभी आए तो आए, आज वैसे भी मैंने ले ली, बताना हाँ।